खबर निवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। शामली जनपद की जिंजाना थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने जंगलों में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि एसपी शामली सुकीर्ति माधव के निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल के अंतर्गत शनिवार को मुखबिर से सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए जिंजाना थाना प्रभारी रोजेंद्र त्यागी के नेतृत्व में वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रमोद कुमार व चौसाना चौकी पर तैनात उप निरीक्षक गजेंद्र सिंह के द्वारा चौसाना क्षेत्र के गांव नाई नगला नवीन के जंगल में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त आलिशान पुत्र अब्बास निवासी गांव ओदरी थाना जिंजाना जनपद शामली को गिरफ्तार करते हुए मौके से भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। जिंजाना थाना प्रभारी रोजेंद्र त्यागी ने बताया कि अभियुक्त आलिशान जिंजाना थाने का टॉप 10 अपराधी है, जिसके विरुद्ध इससे पूर्व भी अवैध शस्त्र फैक्ट्री के अभियोग पंजीकृत हैं और अभियुक्त के कब्जे से एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद हुई है।